छात्रों को दी है। योगी 2.0 सरकार में भी छात्रों को टैबलेट और मोबाइल दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज छात्रों को टैबलेट और मोबाइल फोन दिया गया। मोबाइल और टैबलेट पाकर छात्र काफी खुश दिखाई दिए। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को एक बार फिर से सौगात मिली है। रिकॉर्ड जीत के बाद लगातार दूसरी बार सीएम बनने के बाद योगी सरकार अपने वादों को पूरा करने में जुट गई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2021 में प्रदेश के करीब 2 करोड़ युवाओं के लिए शुरू की गई फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना फिर से शुरू की गई है। राजधानी लखनऊ में आज छात्रों को टैबलेट और मोबाइल फोन दिए गए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मौजूद थे। मोबाइल और टैबलेट पाकर छात्र काफी खुश दिखाई दिए। छात्रों का कहना है कि टैबलेट और मोबाइल फोन पास रहने से पढ़ाई में आसानी होती है। ये स्टेप कैसा है आपके साथ? बहुत अच्छा है, बहुत स्टूडेंट्स को इससे मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ने में हेल्प मिलेगी और दे विल अचीव बेटर। क्या नाम है आपका? जयंती तिवारी। जयंती जी, आज ये टैबलेट आपको भी मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ब्लेस महसूस हो रहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया, हमें टैबलेट्स प्रोवाइड करी। ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि हम लैपटॉप्स कैरी नहीं कर सकते हैवीनेस की वजह से, तो ये हमारी स्टडीज में काफ़ी हेल्प करेगा हम लोगों का। काम जारी, जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और बड़े पैमाने पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण का काम शुरू होगा। योजना 9 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। सीएम योगी ने इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं।